बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद व जो कावड़ लेकर आए कावड़िए सती मंदिर में एक अहम बैठक की गई। सोशल मीडिया पर एक ग्रुप में कावड़ियों के लिए अभद्र टिप्पणी किए जाने से नाराजगी दिखी, रोष दिखा। शहर थाने में शिकायत देने गए थे। SHO ने शिकायत लेने में आनाकानी की, कहा कि हिंदू धर्म के बारे में ऐसी टिप्पणी करने से हिंदू धर्म के लोगों में काफी रोष है। ये कहा कि उचित कार्यवाही नहीं हुई तो शहर थाने का घेराव किया जाएगा, शाम तक अगर कार्यवाही नहीं हुई तो पूरे शहर में विरोध में काले झंडे लगाए जाएंगे। मीटिंग कर संगठन व कावड़ियों ने फैसला लिया है कि रतिया विधायक लक्ष्मण नापा से मिल समस्या से मामले से अवगत कराएंगे। कार्यवाही की मांग की गई, अगर कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जाता है तो आगामी CM अपना रोष जताएंगे। तो उन्होंने कहा शिकायत आपकी मर्जी है, फतेहबाद देके आओ या रतिया दो, सेम कार्रवाई होगी। तो हमने कहा चलो तीन चार लोग थे, बीच में दो तीन लोग बोले भी फतेहबाद देते हैं, तो कुछ बोले भी ज्यादा लोग बोले भी यहीं दे दे, फतेहबाद कौन जाएगा। तो हमने कहा भी ऐसा जाओ आप रख लो, यहीं पर रख लो। तो उन्होंने कहा भी ऐसा है शिकायत तो मैं रख लूंगा, आप मेरे से ये मत पूछना भी कार्रवाई हुई या नहीं हुई। तो मैंने कहा ये क्या मतलब है, बोले ऐसा है आप मुंशी को शिकायत दे दो, जब आप मुंशी को शिकायत देंगे तो बोले कोई रिसीविंग नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, आप रख के चले जाओ। मैंने कहा भी ये रद्दी की टोकरी में फेंकने वाली चीज नहीं है, ये हम शिकायत देके जा रहे हैं। रतिया शहर से 700 कावड़िए गए हैं, वो पूरे हलके से 3000 कावड़िए हर साल शिवरात्रि पे गंगा जल लेने जाते हैं। तो उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी, वो एक अपनी निजी गाड़ी उठाई, दो लोगों को बिठाया जो उसके साथ बैठे थे और थाने से बाहर चले गए, और हम बिना शिकायत दे के आ गए यहाँ पे। और इसलिए हमने सभी भाइयों को निवेदन किया भी इकट्ठे हुए, और अब आप ये रणनीति तय करेंगे हमें करना क्या है, अपने अपने एक भाई आके सुझाव दो।